मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाराबंकी में श्री राम बनकुटी का दर्शन कराएंगे और बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है और आज मैं आप लोगों को उस मंदिर का दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. आइए अब कुछ दूर चल करके हम अभय श्री राम बनकुटी पहुँच चुके हैं और आप लोगों को आइए दर्शन कराते हैं। राय जी, ये कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है जी। और ये महाराज अभयानंद सरस्वती जी के चरणों के द्वारा यहाँ पर सब कुछ बना है। जो है नीच के हाथ से लगाया हुआ, महाराज जी के हाथ से लगाया हुआ है। अभयानंद महाराज सरस्वती जी महाराज उन्हीं के द्वारा ये भव्य या विशेष शिवलिंग है। शिवलिंग जो है स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया है जो कि अलौकिक है। अलौकिक है जी। इसमें आपको दो तीन चीज हम दिखा रहे हैं जी। ये प्राकृतिक चंदन भस्मी लगा हुआ जी जी। ये जो है जी, यहाँ पर चंद्रमा है जी। यहाँ पे जी हल्का सा देख लीजिए, ये चंद्रमा दिख रहे हैं। हाँ, ये चंद्रमा है इनके नीचे जी। ये जो भस्मी लगा हुआ है प्राकृतिक है। ये गणेश जी भी हैं, ये पार्वती माता भी हैं। ये प्राकृतिक चंद्र प्राकृतिक अच्छा अच्छा ये जो हाँ अच्छा जो कि आपको जी ये नाग देवता भी है। और ये शिव परिवार है, ये प्राकृतिक चंदन लगा हुआ है, भस्मी लगा हुआ है। और ये देखिए बगल में गणेश जी भी हैं, ये उधर गणेश जी शिव परिवार पूरे हैं। और शिवलिंग पे चंद्रमा भी है, ये प्राकृतिक है और ये बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर है। और देखिए ये रुद्राक्ष के माला वगैरह भी धारण किए हुए हैं और गणेश जी हैं, माँ पार्वती जी हैं, शिव परिवार पूरा यहाँ पर है। और बहुत ही नंदी जी है, ये नंदी जी हैं, देखिए कितने सुंदर हैं और जो है सजाए गए हैं नंदी महाराज। और बहुत ही विशाल मंदिर है। और इस मंदिर के जब स्थापना हो रही थी जी, तो मंदिर के जब स्थापना हो रही थी तो उस समय जरा सा भी इधर उधर दिशा का बहुत ध्यान रखते बहुत ध्यान रखा गया था। जब मंदिर जरा सा भी एक सेंटीमीटर भी इधर उधर दिशा का ये हेर फेर ना हो, तो बहुत मतलब सुसज्जित ढंग से शास्त्र के अनुसार जो है स्थापना करवाया गया इस मंदिर का। और बहुत ही विशाल मंदिर और सुंदर मंदिर पर आए थे महाराज जी, झोपड़ी बना करके रहते थे जी। और ये बताते हैं कि विश्वामित्र तपस्थली है। हाँ, तपस्थली।
ये मंदिर का विशेषता है कि तीन तरफ से नदियाँ। नदी का क्या नाम है? कोसकी नदी नाम है। कोसकी नदी और यहाँ के लोकल लोग रेट नदी, रेट नदी कहते हैं। उसके बाद में पहले जी यही कमरा बना था और बाकी कुछ नहीं था जी। अब बाद में बनते गया सबका सहयोग से जी, और जो लोग आते गए फिर उसके बाद में कमरे के बाद में सप्तम भवन का निर्माण किया और उसमें कहाँ पर ऊपर दिया जी। हाँ पीपल भी बहुत सुंदर। ब्रिज का विशेषता क्या है इसके जितने भी आप देख रहे हैं जी, क्या बोलते हैं कि बट ब्रिज नहीं जो अब है निकलता है बहुत आप जो भी जी ये निकला है और इसी से पूरे एक दूसरे शाखाएँ मिली शाखाएँ जो गाल शाखाएँ निकली थी जो क्या बोलते हैं अब ये वृक्ष के हो गया एक तो ये वृक्ष के रूप में धारण कर लिया जो कि आशा यहाँ पे बताते हैं कि इस परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। महाराज जी बताते थे कि जो हिमालय में तपस्या करके सिद्धि नहीं मिलती है वो सिद्धि यहाँ तपस्या करने पर मिलती है बहुत रमणीय जो कि ये विशेषता है। स्थान का विशेषता क्या है कि हिमालय में तपस्या करने के बाद में जो सिद्धि नहीं मिली वो यहाँ मिल जाती, वो बहुत जल्दी यहाँ पर सिद्धि मिल जाती। सत्संग भवन इस कमरे के बाद में सबसे पहले ये सत्संग भवन बना। सत्संग भवन में सभी लोगों का सहयोग से ये बना है जिसका कि नाम अंत जय श्री जय श्री। तो जितने भी लोग दान किए हैं उनका नाम ये पटल पर लिखा हुआ है जी। और ये सत्संग भवन का निर्माण माइक इधर लगाइए। हाँ अब देखिए यहाँ पर जो जो महाराज जी के बाद में महाराज जी बने हैं उनका है ये सामने ही देख रहे हैं। अभियानंद जी हैं महाराज हैं। अच्छा अभियानंद महाराज जी हाँ बड़ा सा फोटो जो दिखाई दे रहा वो है उन्हीं का फोटो यहाँ पर देखिए यहाँ उनका उधर लगाइए उनके यहाँ पर है परम कुल श्री स्वामी अभियानंद सरस्वती जी महाराज। इनको सरस्वती क्यों कहते हैं? सरस्वती इसलिए कहते हैं कि यहाँ का परंपरा है कि जो संत होंगे उस संतों को शिक्षा दें जी। जो संत होंगे जो इनके जैसे इनके बाद हुए स्वामी रामानंद जी महाराज सरस्वती महाराज जी हैं तो इनके बाद ये उत्तराधिकारी बने तो ये भी संतों को शिक्षा देते थे पढ़ाते थे जैसे उपनिषद हुआ ब्रह्मसूत्र हुआ वेदों को जो हाँ वेद हुआ जो भी है तो जितने शिव पुराण हुआ गीता हुआ तो सबको शिक्षा देते हैं। तो दूसरे स्थान पर ये महाराज जी हुए हैं और ये दोनों पूरक थे रामानंद जी महाराज और कृष्णानंद जी महाराज दोनों साथ साथ मतलब बताते हैं लोग कि बनारस में पढ़े भी थे और संत बने लेकिन महाराज जी दोनों प्रवचन एक ही साथ बैठ के करते थे जी। और संयोग बताइए या जो कुछ भी कहिए संतों की कृपा कहिए कि रामानंद जी महाराज का तबीयत खराब थी तो उन्होंने बोले कि महाराज जी अब लग रहा है कृष्णानंद जी महाराज से बोले कि अब लग रहा है कि हमारा शरीर जल्दी छूटने वाला है तो बोले आप ऐसे कैसे कह रहे हैं आपसे पहले मेरा जाएगा और इनका शरीर शांत हुआ हरिद्वार में और एक कनखल में इनकी शरीर की अंत्येष्टि की गई। अच्छा अच्छा कनखल में हरिद्वार हाँ हाँ और छः महीना के अंदर फिर ओंकारेश्वर में आपका मार्कंडे संन्यास आश्रम है तो मेन ग्रंथ तो वही है ये सब तो शाखाएँ महाराज जी के 12 आश्रम हैं। मणिकर्णिका घाट पर आपका अभय संन्यास आश्रम है और अमरकंटक में है खीरपानी में है इसी तरह से 12 आश्रम है तो कुनिया में है जी। नर्मदा जी के परिक्रमा में
ज़्यादा करके आश्रम मिलते हैं। अभी वर्तमान में हम आ रहे हैं महाराज जी हैं प्रभु श्री परमानंद जी सरस्वती महाराज का दर्शन किए हैं। अभी ये अभी वर्तमान में है, अभी ओंकारेश्वर में गए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहीं पे बैठ कर यहाँ ये जो तखत देख रहे हैं जी, और यहीं पर बैठ कर और यहाँ पर सारे संत बैठते हैं, यहाँ से पढ़ाते हैं। जैसे उपनिषद हुआ, ब्रह्मसूत्र हुआ, जो कुछ भी है, जो पाठ चलता हो उस समय वो यहाँ पर बैठ कर पढ़ाते हैं, या भक्तों के लिए जब टाइम देते हैं तो वहाँ से बैठ कर प्रवचन करते हैं। और भक्त लोग जैसे मौसम के हिसाब से मान लीजिए कि ज़्यादा गर्मी लग रहा है या कुछ हो तो फिर यहाँ पर बैठ कर भी बताते हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता है और पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर आंवला का बहुत सारे वृक्ष है, ऐसे तो अनेकों वृक्ष हैं, आंवला, बेल, पीपल, बरगद, सांकड़, गुलाब, और तमाम देख रहे हैं कि कटहल, फरिंदा, जो भी देख रहे हैं आप। तो ये केवल यहीं पर जंगल नहीं है, मतलब किनारे नदी किनारे जंगल ही जंगल है जी। हाँ, किनारे किनारे आप देखेंगे जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराज जी का कमरा है, और संत या गृहस्थ, बहुत सारे महाराज जी के साथ गृहस्थ भी आते हैं और फैमिली से आते हैं, विद फैमिली। तो यहाँ पर उसी व्यक्ति को कमरा मिलता है जो फैमिली के साथ है, पति पत्नी श्रद्धालु हों या उनसी से हों, तो वो सब इस कमरे में रुकते हैं। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर में रुकते हैं, वो सब संत का पोर्शन है, उसमें फैमिली वाले को अलाउ नहीं है, बस संत ही रहते हैं। और अभी निर्माणाधीन घर है, इसके पीछे भी दो कमरे बने हुए हैं, तो वो भी हॉल बन रहा है ताकि ज़्यादा मात्रा में संत आएँ तो तख्त लगा करके वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाए। और वो वहाँ पर देख रहे हैं वो क्या नाम है, रसोई है, अब भोजनालय है, वहीं पर रसोई बनती है, वहीं भोजन किया जाता है, और विधिवत मंत्रों के द्वारा मतलब शुरुआत किया जाता है भोजन का, और किया जाता है संतों के साथ में, गृहस्थ को अलाउ नहीं है, वो वर्जित है, संत के साथ में कोई भी गृहस्थ नहीं बैठ करके भोजन कर सकता है। ये सब लैट्रिन बाथरूम है, और इधर महाराज जी धर्मानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, पुजारी भी हैं, इसी तरह से लोग हैं। ऊपर में भी कमरा बना हुआ है, विशेष उपासना करना चाहते हैं उस कमरे में बैठ करके ऊपर निकालते हैं। गौशाला है, वो गौशाला है, गौशाला में गायों के लिए भी पंखे लगे हुए हैं, हाँ, और सब्जी के लिए तो यहाँ भोजनालय, हाँ, सब्जी के लिए उधर निशान बना कर सब सब्जी लगा हुए हैं। हाँ, आपने चंदन का पेड़ का जिक्र किया था, तो चंदन का पेड़ जो है बोलिए, हाँ, ये चंदन का पेड़ है, बहुत ही सुंदर है, सब लगा हुआ है, फूलवारी हैं, बगीचे हैं, यहाँ ये भोजनालय है, गौओं के भी यहाँ ये सब में चारा रखे हुए हैं, बड़ा जेट घेरा है जी जी, इसमें ट्रक से चला जाता है भूसा जा करके रखा जाता है। इधर दिखा दो एक बार, इधर ये महाराज जी लोगों को भोजन की व्यवस्था यही रहती है, ये जो संत लोग आते हैं तो ये अतिथि आता है, यहाँ के कोई अतिथि अगर आते हैं तो यहीं पर भोजन करते हैं, यहाँ सारी व्यवस्था है। और सुबह में नाश्ता, सुबह में नाश्ता 11 बजे भोजन, 11 बजे नाश्ता, भोजन भी लगता है, तो सभी लोग यहाँ आते हैं, प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं,
बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ का, जो भी यहाँ आता है वो सेवार्थ आता है। महाराज जी का जो है देखिए, पानी का सब व्यवस्था लगा हुआ है, टोटी वगैरह। ये देखिए भोजनालय इधर है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की है। स्वामी जी प्रणाम। ये महाराज जी स्वामी जी हैं और ये यहाँ आश्रम में रहते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं महाराज जी, और योगा आश्रम है ये। महाराज जी ये कितना दिन हो गया मंदिर बने? ये मंदिर हाँ ये करीब हो गया होगा 83 अरे तो जब छोटा था 83 से जोड़ो 83 करीब वो 42-43 साल के लगभग हो गई। ऐसे ही हो गया महाराज जी। ये महाराज जी ये मेरा पहला ब्लॉक है, आपके दर्शन के लिए हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर महाराज जी के साथ में, पूजा वूजा भी कराए हैं इसी जगह। हाँ तो अपना एक चैनल है महाराज जी, उसी का जो है एक सोचे महाराज जी का मंदिर का जो भी है अपने ब्लॉग निकाल ली चैनल में महाराज जी इतिहास में, तो वही आए महाराज जी। तो यहाँ महाराज जी ये बहुत लोग आते रहते, भंडारा वंडारा भी हुआ करता है तो हमेशा। हाँ हाँ इस समय कोरोना की वजह से नहीं हुआ महाराज जी, लेकिन अक्सर हुआ करता था जो है। दो भंडारा होते जी बड़े बड़े। अच्छा कब कब होता है महाराज जी? एक चैत्र को होता है जी, 13 को जी, और एक कुमार की सप्तमी को होता है। अच्छा 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 महाराज जी। हाँ कई बार महाराज जी आए हैं दर्शन किए और जो है ठीक महाराज जी, तो दर्शन बना लेते हैं आश्रम का, भगवान जी का, भोलेनाथ जी का। तो ये महाराज जी थे, यहाँ पे सेवार्थ हैं और योगा आश्रम के पूरे देखभाल महाराज जी ही करते हैं। बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर है, कितना जो है सुंदर ये घाट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है। ये देखिए यहाँ लोग स्नान भी करते हैं और ये आपको नीचे उतर करके दिखाते हैं कितना निर्मल और सुंदर जल है यहाँ का। आइए दिखाते हैं, ये देखिए ये नदी है और ये बड़ा सुंदर जो है छटा बिखेरती है, यहाँ के सौंदर्य को बिखेरती है। और ये घाट बने हुए हैं ये, और सब यहाँ आकर के लोग स्नान वगैरह करते हैं, दर्शन करते हैं। और ये जल देखिए कोशकी नदी का है, बड़ा सुंदर जल है ये बहुत ही सुंदर जल है।